हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्वालियर जिले के भितरवार अनुविभाग के चिनोर पुलिस थाने में उस समय हड़कंप समच गया जब एक चिनोर थाने से ड्यूटी देकर भोपाल पहुंचा पुलिस आरक्षक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। जहां एक और पुलिस की भूमिका वॉरियर्स के रूप में महत्वपूर्ण हो रही है, वहीं ग्वालियर जिले में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। भोपाल में पदस्थ एक आरक्षक मनीष सेन जब अपने गृह निवास ग्वालियर पहुंचा, जिले के चिनोर थाना क्षेत्र के बनावर गांव में आया तो उसको लॉकडाउन के चलते एक विशेष ड्यूटी के तहत चिनोर थाने में पदस्थ किया गया। जब आरक्षक भोपाल के लिए रवाना हुआ तो बिना जांच पड़ताल के उसे रवाना कर दिया गया। वहीं भोपाल पहुंचकर जब उसका मेडिकल हुआ तो आरक्षक मनीष सेन कोरोना संक्रमण में पॉजिटिव पाया गया। आरक्षक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब पूरे ग्वालियर जिले से लेकर भोपाल तक पुलिस विभाग में हाहाकार मच गया है। नेगा जो क्या मामला, कोई क्वारंटाइन कर दिया? चिनोर थाने में एक आरक्षक आया था भोपाल से, वो छुट्टी पर, छुट्टी खत्म होने के पहले ही लॉकडाउन हो जाने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से उसको थाना चिनोर में ही आबद कर लिया गया था। उसके बाद में ऑर्डर आता है कि जो भी जहां पर आबद हुआ है वो अपने मूल इकाई में वापस हो। इस आदेश के पालन में आरक्षक मनीष सैन को जो है एक तारीख को थाना चिनोर से भोपाल के लिए रवाना किया गया। भोपाल में जाने के बाद उसका परीक्षण हुआ तो पॉजिटिव निकला है। सूचना पर से